नमस्कार। आज आप सभी इस ऐतिहासिक कालखंड में शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण दायित्व से अपने आप को जोड़ रहे हैं। इस बार लाल किले से मैंने विस्तार से बात की है कि कैसे देश के विकास में राष्ट्रीय चरित्र की अहम भूमिका है। आप सभी पर भारत की भावी पीढ़ी को गढ़ने, उन्हें आधुनिकता में ढालने और नई दिशा देने की जिम्मेदारी है। मैं मध्य प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाले 5,500 से ज्यादा शिक्षक भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में करीब 50,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। इसके लिए राज्य सरकार भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें पारंपरिक ज्ञान से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक को समान रूप से महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। एक और बहुत बड़ा काम हुआ है मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर। अंग्रेजी न जानने वाले अनेकों छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई ना कराकर एक तरह से उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया था। ये सामाजिक न्याय के विरुद्ध था। अब इस अन्याय को भी हमारी सरकार ने दूर कर दिया है। अमृतकाल के पहले वर्ष में ही 2 बहुत बड़ी सकारात्मक खबरें आई हैं। ये खबरें देश में कम होती गरीबी और बढ़ती समृद्धि का परिचय देती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष फाइल होने वाली इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या भी दूसरा महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में लोगों की औसतन आय में भारी बढ़ोतरी हुई है। आईटीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में जो औसत आय एवरेज इनकम करीब 4 लाख रुपए थी, वो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। ये कि देश के नागरिकों का अपनी सरकार पर भरोसा निरंतर बढ़ रहा है। इस वजह से देश के नागरिक ईमानदारी से अपना टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं।
बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। वो जानते हैं कि उसके टैक्स की पाई पाई देश के विकास में खर्च की जा रही है। उन्हें साफ दिख रहा है कि 2014 से पहले जो अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी, वो आज 5वें नंबर पर पहुंच गई है। देश का नागरिक वो दिन भूल नहीं सकता जब 2014 से पहले घोटालों और भ्रष्टाचार का दौर था, गरीब का हक उस तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाता था। आज गरीब के हक का पूरा पैसा सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है। इस 15 अगस्त को मैंने लाल किले से पीएम विश्वकर्मा योजना की भी घोषणा की थी। ये योजना भी इसी विजन का प्रतिबिंब है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 18 अलग अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, उनको लाभ होगा। इससे समाज का वो वर्ग लाभान्वित होगा जिनके महत्व की चर्चा तो होती थी, लेकिन उनकी स्थिति बेहतर करने का कभी ठोस प्रयास नहीं किया गया। विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को ट्रेनिंग के साथ ही आधुनिक टूल्स खरीदने के लिए वाउचर भी दिए जाएंगे। यानी पीएम विश्वकर्मा से युवाओं को अपना हुनर निखारने का और ज्यादा अवसर मिलेगा। साथियों, आज जो महानुभाव शिक्षक बन रहे हैं, उनसे मैं एक और बात करूंगा। आप सभी कड़ी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं, आगे भी आप सीखते रहने की प्रवृत्ति जारी रखें। आपकी मदद के लिए सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी तैयार किया है। इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। मैं आपको और आपके परिवार के लोगों को इस नई सफलता के लिए, इस नई यात्रा के लिए, अब सपनों को सिद्ध करने का एक उत्तम अवसर मिला है तब अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।